चन्नो ने भी दिमाग खराब करके रखा है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। आज तो मैं इसकी खबर लेके ही रहूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। और ये तूने क्या मजाक बना रखा है सर? मजाक? अगर मैंने गुड आफ्टरनून किया, गुड मॉर्निंग कह दिया, तो इसमें मजाक की क्या बात है सर? एक तो मैं सुबह सुबह आपके यहाँ आती हूँ, उसके बाद मेरे पास इतना काम होता है, इतना काम होता है सर, कि सर उठाने का टाइम नहीं होता। मुझे यही नहीं पता लगता कब गुड आफ्टरनून हो गई और कब गुड इवनिंग हो गई है। सर आप किसी बात के लिए इतनी बात बता रहे हो, इसमें क्या मजाक कर लिया? मेरे पास मजाक का टाइम है, मैं आपसे क्या मजाक करूँ? इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की बात नहीं कर रहा हूँ। ये राज एक्सपोर्ट वालों ने मुझे बार बार फोन करके अपने ऑफिस बुलाया और मुझसे खाने की बात कर रहे हैं। क्या सर, खाना भी एक्सपोर्ट करने लगे वो? अरे सर, ऑर्डर तो ले ही लेना, पर हमारा खाना इतना अच्छा नहीं होता सर कि हम एक्सपोर्ट करें। ऐसा करेंगे सर, सामने के ढाबे से खाना ले लिया करेंगे, एक्सपोर्ट का खाना। और सर आप उनको खाना खाना, सर मैंने खाया, इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा, उंगलियां चाटते रह जाओ। सर आप चिंता मत करो, ऑर्डर तो ले ही लेना, पर एक्सपोर्ट उन्हीं का खाना करेंगे सर। अरे अरे अरे, वो खाना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जो आज 50 लोगों का लंच मंगवाया था, तूने क्या भेजा उसमें? सर खाना भेजा है, और क्या भेजा है? नहीं नहीं, खाना तो तूने भेजा है, लेकिन खाने में क्या भेजा तूने? सर दाल, शाही पनीर, रोटी और चावल। लेकिन यहाँ तो आलू पूरी पहुंचे हुए हैं, और वो आलू पूरी जो है, जो बच्चे पिकनिक पे गए हैं, वो तो उनको भिजवाना था है, और वो तूने अपना यहाँ पे भिजवा दिया। सर ये मेरा कोई कसूर नहीं, ये सारा कसूर आपके ड्राइवरों का है। अब मेरे पे ना कसूर मत डाला करो सारे। ड्राइवरों का वो कैसे? देखो सर, हीरा लाल और सोहन लाल को मैंने बुलाया, एक को ईस्ट की पर्ची दी, एक को वेस्ट की पर्ची दी। तो हीरा लाल मुझे कहने लगा, अरे मैडम आज मुझे थोड़ा ईस्ट में काम है, आप मुझे ईस्ट के जाने की पर्ची दे दो। मैंने कहा भाई तुम आपस में बदल लो। पर्ची बदल ली, अब खाना नहीं बदला तो इसमें मेरा क्या कसूर है सर? अच्छा, मतलब पर्ची बदली, खाना नहीं बदला, तो इसको कौन देखेगा कि खाना बदला कि नहीं बदला? ये तेरी ड्यूटी नहीं है सर? देखो आपने ना मुझे सेक्रेटरी रखा हुआ, ये सारे कामों के लिए नहीं रखा हुआ। आपका भंडार मैं देखती हूँ, खाना मैं देखती हूँ, कुक को ऑर्डर मैं देती हूँ, क्या पका, ठीक पका नहीं पका वो मैं देखती हूँ, खाना पैक मैं करवाती हूँ, है ड्राइवरों को मैं भेजती हूँ। सर मैं इतने काम नहीं कर सकती, अगर आपको इतनी परफेक्शन चाहिए ना तो दो तीन असिस्टेंट रख के दो मुझे, तभी मिल सकता है, नहीं तो मेरे को नहीं कहो, नहीं तो मैं नौकरी वोकरी छोड़ चली जाऊंगी आपकी। अच्छा, मतलब तू धमकी देती रहती, नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी। धमकी तो बहुत बार देती है, लेकिन जाती नहीं है, जाती नहीं है बिल्कुल। और ये काम कोई 4-5 लोगों का नहीं है, एक ही आदमी का काम है जो तू काम कर रही है। और ये अब ये जो खाना है ना इनका, 50 लोगों का आलू पूरी, ये लोग वापिस भेज रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो स्कूल वाले भी सारा खाना वापिस भेज देंगे। अरे नहीं 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 सर, स्कूल वाले खाना नहीं वापिस भेजेंगे। उनकी मैडम का फोन आया था, कहने लगे अरे मैडम आपने इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना भेज दिया, हमें तुम्हारे बच्चे भी खुश हो रहे हैं देखकर, पर एक कमी है कि प्लेटें नहीं है। तो मैंने कहा लो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, आप यूं करो मार्केट से अपनी प्लेटें मंगवा लो, और जितना पैसा लगे जब पेमेंट करो तो उसमें से वो पैसे काट लेना बस। मतलब वो खाना बच्चे खा रहे हैं? हाँ सर, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। मतलब 50 रुपए उन्होंने आलू पूरी के दे दी, और वो 200 रुपए का खाना खा के पूरा पूरा बच्चे यार। और उसके बाद तू ये कह रही है कि प्लेट भी वहां से आप ले लेना और उसके पैसे भी काट लेना, कितना नुकसान कराती, कितना नुकसान कराती रहती है तू, हद कर दी तूने नुकसान की। मुझे समझ में नहीं आता तू इतना नुकसान कराती क्यों, अभी तूने पिछले हफ्ते मेरा कितना बड़ा नुकसान करा दिया था। कौन सा नुकसान कराया सर पिछले हफ्ते? हा? भूल गई? हाँ कौन सा नुकसान? अरे वो जो चाइनीज खाना भेजना था 100 लोगों का, और वो वेज खाना भेजना था, और तूने वो नॉन वेज खाना भेज दिया था। देखो सर आपने लिखा था चाइनीज नूडल, चाइनीज मंचूरियन, ठीक है ना, है तो मैंने देखा भाई चाइनीज तो सर हमेशा चिकन का बनता है, लोग चिकन खाना पसंद करते हैं चाइनीज में, और क्या था, चिकन मंचूरियन, चिकन नूडल्स, चिकन फ्राइड राइस और चिली चिकन, और चिकन सूप भी वो चाइनीज पीना पसंद करते हैं सर, ऐसी ऐसी चीजें नहीं पीते आप, कैसी कैसी बात करते हो सर। अरे तूने देखा नहीं, मैंने उसके आगे लिखा हुआ था कि वेज हाका नूडल, वेज मंचूरियन, वो देखा नहीं तूने? सर वो तो आप नॉन लिखना भूल गए थे ना, मुझे तो पता है आप तो कितना भूलते हो, आधी आधी चीजें तो भूल ही जाते हो, इसलिए मैंने उसके आगे नॉन लिख के और कुक को दे दिया कि भाई ये बना दे, और मैंने भिजवा दिया बनवाकर, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? ऐसे नहीं होता, पूरी दुनिया में नॉन वेज लोग नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन भी खाना बहुत खाया जाता है, और चाइनीज भी वेज बहुत खाते हैं लोग, है? इसीलिए वो उन्होंने लिखा था, और इसीलिए वो वहाँ पे भेजना था ना, वेज हाका नूडल, वेज मंचूरियन भेजना था, और तूने नॉन वेज भेज दिया, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई मैं ही जानता हूँ, उन्होंने उठा के सारा का सारा खाना बाहर फेंक दिया, और साथ में मुझे भी। आपको उठा लिया?
सर कितने बंदे उन्हें उठाया होगा सर, एक दो के तो बस की पड़े नहीं हो गया सर। अरे ये कहने की बात होती है, एक मुहावरे के तौर पर मुझे थोड़ी उठा के बाहर फेंक सकती है, मतलब ये है कि उन्होंने खाना उठा के बाहर फेंक दिया और मुझे बहुत ही बुरा भला बोल के और मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। पेमेंट तो गई गई, साथ में अपनी इज्जत भी गई, कितना नुकसान कराती, कितना नुकसान कराती है, अब कोई फायदा भी करा दिया अगर कभी। सर कहां नुकसान कराती हूं, इतने तो ऑर्डर लाके देती हूं, कहीं अपने घर वालों के, कहीं अपने रिश्तेदारों के, कहीं आस पड़ोस के, इवन हाँ। मैंने तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी कह रखा जो भी ऑर्डर हो भैया हाँ। हमारी केटरिंग में आना हाँ। चाहिए, सारे ऑर्डर आते हैं सर। बहुत बहुत तू तो बहुत ही ऑर्डर लाके देती मुझे, और बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर होते हैं है? उस दिन कह रही है मेरे चाचा के घर में खाना है सर, 10 लोगों का खाना भिजवा देना है। उस दिन कह रही है मेरी बुआ के घर में खाना है, 5 लोगों का खाना भिजवा देना। कितने बड़े ऑर्डर से दिलवाती है, कितना फायदा करा दिया, और उसमें भी 25% डिस्काउंट ले लेती है, और मेरी पॉकेट से जाता है, मुझे उसमें कोई फायदा नहीं होता, उसमें भी मुझे नुकसान ही नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता, फायदा तेरा ही होता है। कोई फायदा नहीं होता सर। अब एक बात बताओ, मैं अब आपके यहाँ काम करती हूँ इतना, तो मेरे रिश्तेदार कहते हैं अरे तनु तू वहाँ काम करती है तो हमारी भी तो कुछ होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ क्यों नहीं मैं आपको डिस्काउंट करवाऊंगी, आप हमें ऑर्डर तो दो सर। जब भी तो वो हमें ऑर्डर देते, नहीं तो दूसरे के पास ना चले जाए वो। नहीं नहीं तू बस 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 बहुत इतने बड़े बड़े ऑर्डर तू मत लाया कर, इतने बड़े ऑर्डर मत लाया कर, यहाँ ऐसी हमारी कंपनी तो बहुत ज्यादा कमाई करने लग जाएगी, बहुत कमाई करने लग जाएगी, इतने बड़े ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ध्यान से काम किया कर। आज शाम को मेरे दोस्त वो संदीप है, उसके बेटे के बर्थडे की पार्टी है, वहाँ पे 150 लोगों का खाना है, जरा खाना वाना बिल्कुल ध्यान से और अच्छी तरह से भेजियो वहाँ पे। अरे सर चिंता मत करो, आपका फ्रेंड आए थे अभी। कौन? वही संदीप। अच्छा संदीप हाँ, ऑफिस आया था। हाँ सर। क्या कह रहा था? कहने लगे देखो मैडम मेरा बेटा यूं कह रहा है कि मेरे बर्थडे में आपने जो स्नैक्स रखे हैं चिकन का सिर्फ एक ही आइटम रखा है, भाई एक दो तो होने चाहिए। तो मैंने कहा सर इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, हम दो आइटम बढ़ा देते हैं। तो मैंने चिकन लॉलीपॉप और चिकन टिक्का और बढ़ा दिया सर। वेरी गुड ये तुमने बहुत अच्छा किया कि जो दो चिकन के आइटम और बढ़ा दिए, बच्चा भी खुश हो जाएगा और सारे लोग भी खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तुमने उसका बिल बढ़ा दिया ना 50 रुपए, 25 रुपए पर हेड वो एक आइटम का बढ़ जाता है, 50 रुपए तूने बिल बढ़ा दिया ना उनका। सर वो मैं क्यों बढ़ाऊंगी, जब आपने उनको एक तरीके को दे रखा है बिल, तो मैं क्यों उसमें बिल का ऊपर नीचे करूंगी, तो आपका काम है। यार जब डिसाइड हुआ था, जो अपना रेट डिसाइड हुआ था, जितनी आइटम थी वो उसने रेट में उतनी ही आइटम देनी थी, अब वो आइटम बढ़ाएंगे तो उसका पेमेंट भी तो बढ़ेगा ना, उसका पेमेंट कौन बढ़ाएगा, आइटम तो चाहे 2 की जगह 4 बढ़ा दे, लेकिन उसके पेमेंट के लिए जो है ना उनको कह दे कि भैया इसके लिए 50 रुपए बढ़ेंगे, 2 आइटम और 4 चाहिए तो 100 रुपए बढ़ जाएंगे। और आपके सर देखो मैं तो कहने से रही आपका फ्रेंड है, आप खुद ही बात करो। अच्छा मैं बात करूंगा? अरे मैं नहीं बात कर सकता, मेरा वो खास दोस्त है, वो मुझे बातें सुना देगा। नहीं 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 मैं नहीं खास, तू बात कर सकती है तो कर ले, नहीं तो रहने दे, नुकसान एक और नुकसान, पहले ही मैंने उसको डिस्काउंटेड रेट दे रखे हैं और उसके ऊपर 2 आइटम और बढ़ा दी, तू नुकसान करवाएगा, नुकसान बहुत नुकसान करवाती है। अरे सर सुनो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? मैंने ना वो ढाबे वालों से बात एक दफा सुनी थी, इसमें कोई नुकसान नहीं, इसमें हमारा फायदा ही होगा। मैं देखो एक आपको फर्स्ट क्लास आइडिया देती हूँ, हम क्या करेंगे खाने में ना थोड़ा नमक और मिर्च ज्यादा डाल देंगे। अच्छा। और ना 150 की जगह 100 का खाना भेजेंगे। अच्छा। बस लोग जो खाएंगे बल्कि सर आधा खाना वापस आ जाएगा। फायदा ही फायदा होगा सर, फायदा ही फायदा। क्या बात है, तूने तो बहुत सुपर आइडिया दे दिया। अरे ये तो सुपर से भी सुपर आइडिया है। अरे कौन सी किताबों से पढ़ती है, कौन से ढाबों से सुनती है, ऐसे ऐसे आइडिया कमाल कर दिया तूने। मिर्च ज्यादा डालेगी, अरे वो मेरा दोस्त है, मिर्च ज्यादा डाल दी ना, मिर्च उसको लगेगी, धुएं मेरे निकलेंगे, वो मेरी हालत खराब कर देगा। बिल्कुल मिर्च ज्यादा नहीं डालनी, और मिर्च ज्यादा डालेगी अगर तूने ऐसे काम करने लगी ना, लोग मिर्च मसाले ज्यादा डालने लगे, नमक ज्यादा डालने लगे है, तो हमारा तो कोई खाना ही नहीं लेगा, हमारा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो उल्टे सीधे आइडिया देती रहती है। सर बिजनेस बंद करके बात मत करो, अगर कोई ऑर्डर नहीं देगा ना ना ले, आप ऑर्डर लो। और आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ, सारी सिरदर्दी खत्म, टेंशन ही खत्म। अच्छा देखो सर आप ऑर्डर ले लिया करो, ठीक है, और सामने के ढाबे से ना ऑर्डर बुक करवाएंगे और उससे खाना पकवाएंगे, और उसको मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है सर, मैं आपकी कमीशन भी थोड़ी ज्यादा करवा दूंगी। बस वहाँ से खाना लेंगे, कोई सिरदर्दी नहीं, ऑर्डर यहाँ से लिया और बीच में से कमीशन लेंगे और ऑर्डर भिजवा दिया करेंगे, और सर भेज भी वही देगा उसका आदमी, कुछ रखना नहीं पड़ेगा। मैं कमीशन एजेंट नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद सब चीजें बना के खुद सप्लाई करता हूँ। ये आइडिया तू अपने पास ही रख, जब तू अपनी कैटरिंग शुरू करेगी ना तब तू ये आइडिया का इस्तेमाल करियो। मुझे ऐसे आइडिया नहीं चाहिए बेवकूफी के, मतलब मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं, अपनी कमाई बंद कर दूं, और सामने जो ढाबे वाला है उसकी मैं कमाई डबल करवा दूं। बहुत ही बेवकूफी का आइडिया देती है, बहुत ही बेवकूफ है तू, है
क्या करती रहती है, फोन बंद कर, बंद कर फोन, हद कर दिया यार ये पता नहीं कौन सुपर आइडिया लाती रहती है, है? कभी कहेगी नमक मिर्च ज्यादा डाल दो, कभी कहेगी कि सामने ढाबे वाले को ऑर्डर दे दो, हद तो होगी यार, हद तो होगी यार, इतनी बेवकूफी की बात करती है, मेरा दिल करता है इसको निकाल के बाहर खड़ा कर दूं, क्या करूं यार, मैं सैलरी तो देता हूं इसको एक एम्प्लॉय की और ये काम करती है चार चार इंप्लॉई का, इसको मैं बाहर भी नहीं निकाल सकता यार, पर ये नुकसान भी तो बहुत कराती है ना, ये बेवकूफ तो बहुत ज्यादा है ही है, इतनी ज्यादा बेवकूफ है कुछ कहने की हद ही नहीं है, बेवकूफी की तो ये फैक्ट्री है, बेवकूफी की फैक्ट्री।